नमस्कार, मैं रोशन राठौड़, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना बताई प्राथमिकता, सरकार देगी सुविधाएं, खबर सिकराय से। आज समाज सेवी ओम प्रकाश खुमना ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गीजगढ़ और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गीजगढ़ में 10वीं व 12वीं में प्रथम द्वितीय स्थान पर आने वाले सभी छात्र छात्राओं को अच्छा परिणाम देने वाले अध्यापक अधीपकों को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। घुमना ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना मेरी पहली प्राथमिकता है। बेटियों की शिक्षा में कोई कमी नहीं होगी, पढ़ाई बेटियों को करनी है, शिक्षा सुविधाएं सरकार देंगी। बेटियां खेल के क्षेत्र में भी अपना नाम रोशन करें, हम सभी का फर्ज बनता है सभी शिक्षित हों और शिक्षा हर घर तक पहुँचे। शिक्षा के महत्व को लोगों तक पहुँचाना और शिक्षा के प्रति बढ़ावा देना, शिक्षा के सम्मान में लोगों को प्रोत्साहित करना और शिक्षा के क्षेत्र में सिकराय विधानसभा क्षेत्र को प्रथम स्थान पर लाना ही मेरा उद्देश्य है। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती कमला मीणा, बलराम घुमना, समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं एवं छात्र इसमें मौजूद रहे। ओम प्रकाश जी, समाज सेवा के साथ साथ आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान दे रहे हैं। अभी आपने प्रतिभाशाली छात्राओं का सम्मान किया तथा वही क्रम आपका अभी लगातार चलता जा रहा है। आप गवर्नमेंट स्कूलों में जा जाके बच्चों को सम्मानित कर रहे हो, इसमें आपकी कुछ राय बताइए जी। हमने अभी 30 तारीख को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया, उसमें पूरी सिकराय विधानसभा से 90% से अधिक अंक जो लाए छात्र छात्राएं उनको हमने सम्मानित किया। लेकिन अब मैंने एक और उद्देश्य बनाया कि मैं प्रत्येक सीनियर सेकेंडरी, राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में जाऊं और वहां से वो माध्यमिक स्तर हो चाहे उच्च माध्यमिक के बालक बालिकाएं हों तो उनको मैं सम्मानित कर सकूं। जो पहला और दूसरा स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है उनको सम्मानित कर रहा हूं, साथ में जो अध्यापक बंधु हैं जिन्होंने टॉप रिजल्ट दिया है उनको भी मैं सम्मानित कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य यह है कि बालिकाओं में इस तरीके से एक भावना उत्पन्न हो शिक्षा के प्रति, क्योंकि हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने कहा था कि राजस्थान में दौसा जिला चौथे नंबर पे है। मैं मानता हूं कि इसको मैं पहले नंबर का करके छोड़ूं।